फाइलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र CSC चोलापुर के आयुष्मान आरोग्य मंदिर धरसौना में फाइलेरिया हाथी पांव से ग्रसित 15 रोगियों को रुग्णता प्रबंधन व दिव्यांगता रोकथाम MMDP किट और आवश्यक दवा प्रदान किया गया। सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी CHO अंकित सरन ने सभी रोगियों को घाव की नियमित सफाई के तरीके, योग व सामान्य व्यायाम के बारे में बताया। यह कार्यक्रम स्वास्थ्य विभाग के तत्वावधान में CIFAR संस्था के सहयोग से आयोजित किया गया था। CHO अंकित सरन ने सभी रोगियों को MMDP किट के बारे में प्रशिक्षित किया। उन्होंने बताया कि फाइलेरिया ग्रस्त अंगों मुख्यतः पैर की साफ सफाई रखने से संक्रमण का डर नहीं रहता और सूजन में भी कमी रहती है। इसके प्रति लापरवाही बरतने पर अंग खराब होने लगते हैं, इससे समस्या बढ़ जाती है। संक्रमण को बढ़ने से रोकने के लिए दवा भी दी जा रही है। उन्होंने बताया कि जिनके हाथ पैर में सूजन आ गई है या फिर उनके फाइलेरिया ग्रस्त अंगों से पानी का रिसाव होता है, इस स्थिति में उनके प्रभावित अंगों की साफ सफाई बेहद आवश्यक है, इसलिए MMDP किट प्रदान की जा रही है। इस किट में एक एफ टब, मग, बाल्टी, तौलिया, साबुन, एंटी फंगल क्रीम आदि शामिल हैं। पेशेंट प्लेटफॉर्म के सदस्य समुदाय को फाइलेरिया के प्रति जागरूक कर रहे हैं, साथ ही बीमारी से जुड़े मिथक को भी दूर कर रहे हैं। वरिष्ठ मलेरिया निरीक्षक अजय कुमार सिंह ने सभी आशा कार्यकर्ताओं और संगिनी को फाइलेरिया, हाथ पैरों में सूजन और अंडकोशों में सूजन के कारण, लक्षण, पहचान, जाँच, उपचार व बचाव आदि के बारे में विस्तार से बताया। फाइलेरिया की सभी ग्रेडिंग, हाथ पैरों में सूजन व घाव की स्थिति के बारे में जानकारी दी। MMDP किट को हाथी पांव ग्रसित रोगियों के उपयोग के बारे में बताया। ग्राम धरसौना में बने पेशेंट प्लेटफॉर्म के सदस्य 48 वर्षीय गुलाबी देवी ने बताया कि वह लगभग 15 वर्ष से हाथी पांव बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने कई वर्षों तक इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अब प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर डॉक्टर से इसकी देखभाल के लिए संपूर्ण जानकारी मिले, जिससे वह अपने सूजे हुए पैरों की नियमित देखभाल कर रही हैं। अन्य सदस्य 62 वर्षीय छिन्नू ने बताया कि वह करीब 22 साल से फाइलेरिया हाथी पांव से ग्रसित हैं। कई वर्षों तक उपचार कराया, दवा भी खाई लेकिन आराम नहीं मिला। प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ने के बाद फाइलेरिया के बारे में संपूर्ण जानकारी मिली। अब वह किट के जरिए अपने सूजे हुए पैरों की साफ सफाई और देखभाल करती हैं, साथ ही योग व सामान्य व्यायाम भी कर रही हैं। इसके अलावा समुदाय में फाइलेरिया से बचाव के बारे में जागरूक भी कर रही हैं। इस मौके पर हेल्थ सुपरवाइजर दुर्गेश रावत, हेल्थ विजिटर गिरिजा पांडे, ANM अर्चना सिंह, आशा कार्यकर्ता, CIFAR के जिला प्रतिनिधि व अन्य लोग उपस्थित रहे।